हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंडर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं टिकटॉक एप्लीकेशन कितने में बिकने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है फाइनली टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है और इंडिया में बैन होने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका में भी बैन होने की वार्निंग मिल चुका है। तो टिकटॉक एप्लीकेशन जो है इस हालात में पहुंच चुका है, सो ये बिकने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को कौन सी कंपनी खरीद रहा है इसके बारे में बात करेंगे और साथ में इस एप्लीकेशन को क्या रेट लगाया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि पता है टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में बैन कर दिया गया है। यदि आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से सर्वर को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान से भी न्यूज आ रहा है, वहाँ पे भी टिकटॉक एप्लीकेशन को बहुत ही जल्द बैन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका में भी बैन कर दिया जाता है तो टिकटॉक एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसी को देखते हुए तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने 79 क्वेश्चन पूछे थे चाइनीज एप्लीकेशन ऑनर वाईटी डांस से। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया या फिर नहीं दिया, क्वेश्चन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया है। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने 4 एप्लीकेशन को और भी बैन कर दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, टिकटॉक एप्लीकेशन फिर से हमारे इंडिया में वापस आएगा या फिर नहीं आएगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में आपको बता दूं, टिकटॉक एप्लीकेशन जो है, कुछ लोगों का ये कहना है इस एप्लीकेशन का सर्वर को अमेरिका में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है ये एप्लीकेशन ही बिकने वाला है। तो हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टिकटॉक एप्लीकेशन इस स्थिति में आ चुका है। इंडिया में टिकटॉक बैन होने के कारण और पाकिस्तान और अमेरिका में होने वाला है, यही देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है टिकटॉक एप्लीकेशन को बेच दिया जाए। और टिकटॉक एप्लीकेशन को खरीदने के लिए अमेरिकन कंपनी कई सारे आगे आए हैं। नंबर वन गूगल और सेकेंड नंबर में एप्पल आए हैं टिकटॉक एप्लीकेशन को खरीदने के लिए, जहां पे टिकटॉक एप्लीकेशन को 2.5 बिलियन डॉलर में बेचा जा रहा है। इन दोनों कंपनी यानी कि गूगल और एप्पल में कौन सी कंपनी खरीदता है वो हमें देखना है। जैसे ही टिकटॉक एप्लीकेशन बेच दिया जाएगा, ये एप्लीकेशन का सर्वर जो है अमेरिका में शिफ्ट होगा और फिर से इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर से इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। और साथ में इस एप्लीकेशन को जैसे ही अमेरिका में शिफ्ट किया जाएगा तो आपको पता है अमेरिका में भी बैन होने से बच जाएंगे और साथ साथ में अमेरिका और भारत में काफ़ी अच्छे संबंध है तो यहाँ पर भी टिकटॉक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे नहीं, 100% टिकटॉक एप्लीकेशन वापस आएंगे। और साथ साथ में ये देखना है पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, फिलहाल में YouTube को भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और साथ में कई सारे एप्लीकेशन को लगातार पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।